उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला अधिकारी मुरादाबाद के सरकारी रिकॉर्ड रूम में 2 मीटर से ज्यादा की लंबाई का सांप नजर आने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सांप देखने के बाद किसी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सांप की दहशत इतनी कि कोई भी कर्मचारी अकेले में रिकॉर्ड रूम में जाने से घबरा रहा है। कार्यालय में तैनात अधिकारी संजीव सक्सेना के मुताबिक वो कई बार सपेरे को बुलवाकर सांप पकड़वाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वह सांप पकड़ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड रूम में काफी ज्यादा रिकॉर्ड रखे होने की वजह से सांप कहीं ना कहीं छुप गया है। फिलहाल रिकॉर्ड रूम में सांप के होने के बारे में पता चलने के बाद कर्मचारी दहशत में हैं। यह जानकारी मिलने पर जिला अधिकारी मुरादाबाद ने भी जल्द से जल्द सांप पकड़कर जंगल में छुड़वाने के निर्देश दे दिए हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा संजीव कुमार सक्सेना नाम है। मैं यहाँ RRK हूँ और इस हमारे रिकॉर्ड रूम में चकबंदी का ये यहाँ पे जिल्दें वगैरह रहती हैं और यहाँ पे पिछले 15 दिन से 20 दिन से एक सांप बहुत लंबा करीब 2.5 या 3 मीटर की रेंज में देखा गया। यहाँ पे पीछे खिड़की है और उधर देखा गया। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी लाया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि किसी को पकड़वा के इसको पकड़वाया जाए। कई सफेरे हमने यहाँ बुलवाए लेकिन वो सांप जो है वो हाथ नहीं आ पा रहा है, कहीं छुपा हुआ है रिकॉर्ड में। उसकी वजह से कर्मचारियों में काफ़ी दहशत भी है और यहाँ पे रोज़ लगभग कोई ना कोई सपेरा हम लोग बुलवाते हैं लेकिन वो यहाँ पे देख के लौट जाता है। सांप अभी तक हाथ में नहीं आया है और हम लोगों में कर्मचारियों में दहशत भी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसको पकड़वाएं। और कई सपेरे भी आए यहाँ पे, उन्होंने देखा भी लेकिन सांप अभी तक हाथ में नहीं आया है। करीब 3 मीटर लंबा सांप है ये और रिकॉर्ड रूम में यहाँ पे पटवारी फंड में कैचुली भी छोड़ के गया है लेकिन अभी तक उसका कोई भी यहाँ पे सुराग नहीं मिल पा रहा है। और उस वजह से हम लोग रोज़ किसी ना किसी को यहाँ पकड़वाने के लिए बुलाते हैं लेकिन अभी सांप नहीं पकड़ पा रहा है। पहली बार ये घटना हुई इससे पहले? हाँ, ये मेरे कार्यकाल में पहली बार मैंने अभी देखा है लेकिन अक्सर आते रहते हैं सांप, तो कचहरी में घूमते ही हैं। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड रूम में हालांकि बहुत सुरक्षित स्थान है, बहुत कहीं से कोई जगह नहीं है, कहीं से कोई वो नहीं है। पीछे एक खिड़की है, वहाँ पे ये देखा गया है जिसका वीडियो भी लोगों ने बनाया है, वायरल भी हुआ है लेकिन वो अभी तक हमारे किसी के हाथ नहीं आ पा रहा है। और हम लोग रोज़ सुबह आते हैं, डरते हुए सारे दिन बैठते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी कार्य तो करना ही है। रोज़ हम लोग आके रिस्क पे काम कर रहे हैं और रोज़ हम किसी ना किसी को बुला के पकड़वाने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी अभी तक सफलता नहीं मिली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।